अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है कि बच्चों को मैथ्स राइटिंग कैसे सिखाई जाए। अब मैंने ये रेड पेंसिल ली है, तो कैसे सिखाना है, कैसे लिखते हैं। वन, आप बच्चे को लिख के दें ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नंबर वन, दिस इज़ नंबर वन, ये नंबर वन। और हमेशा याद रखें बच्चे को डॉट्स नहीं डाल के दें, ऐसे ही रेड लाइन से स्टार्ट करें, उसको बोलें इसके ऊपर वो लिखना स्टार्ट करें। जब वो ये लिखना स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आप बच्चे को, जैसे आपने ये डॉट डाल के दिया, एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे डाल के दिया, तो ये क्या हो गया, इसको डॉट टू डॉट मैच करना, स्ट्रेट लाइन डॉट टू डॉट, ये दिस इज़ नंबर वन। अगर बच्चा सीख लेता है टू डॉट्स पर जल्दी, तो फिर आप वन डॉट पे ऐसे वन डॉट पे ले आए, और जैसे ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट लाइन वन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है टू। अब टू कैसे लिखना है, टू लिखने के लिए भी एक टेक्निक है, तो आपने बच्चे को समझाना है ये दो डॉट्स डालने हैं, ये दो डॉट पहले ये बताना है, इसको यहाँ से ये राउंड इसको इससे मैच करना है, फिर ये कॉर्नर डाउन टू द कॉर्नर स्ट्रेट। अगेन बताती हूँ कैसे, ये दो डॉट्स यहाँ पे डालने हैं, बच्चे को राउंड बनाना सिखाना है कि ये राउंड बनाए, मेक राउंड, ये यहाँ से ग्रे लाइन, ये राउंड बन गया, फिर यहाँ से ये हमारा कॉर्नर है और ये स्ट्रेट डॉट डालने हैं, ये दो डॉट पहले आपने ये राउंड बनाना सिखाना है, फिर उसके बाद इसी पहले डॉट के नीचे एक डॉट डालना है, ठीक है। राउंड कॉर्नर स्ट्रेट टू, दिस इज़ टू। थ्री के लिए हम यहाँ पे एक डॉट डालते हैं, मैं आपको डॉट से ही बता रही हूँ, ये राउंड ये डॉट। पहले बच्चे को पहले तो आप रेड लाइन से रेड पेन से लिख के देंगे, फिर उसके बाद ये डॉट्स पे आएंगे। राउंड यहाँ से बनाया हमने ये राउंड, गो बैक इसी से वापस जाना है, अनदर राउंड, ठीक है। अगेन ये डॉट हमने डाला है, ये सी के नीचे फिर डॉट, ये तीन डॉट डाले हैं। राउंड ये इस डॉट तक पेंसिल नहीं उठानी, गो बैक अनदर राउंड, ये है नंबर थ्री। इसके बाद है नंबर फोर। हाउ टू राइट नंबर फोर, यहाँ पे डॉट डाला, एक डॉट यहाँ पे, ये बिल्कुल एंड में और यहाँ पे, ये थ्री डॉट्स, कॉर्नर स्ट्रेट और ये कट फोर, दिस इज फोर। और सबसे इजी नंबर फोर है, बच्चों को लिखने में बहुत आसानी होती है। फाइव कैसे लिखना है, ये पहले लाइन स्टॉप वन डाउन टू वन, फिर पेंसिल नहीं उठानी, गो अप एंड मेक राउंड, दिस इज फाइव। फाइव के भी दो डॉट्स, इसी तरह तीन डॉट्स डालें, एक डॉट फिर ये डॉट और उसके नीचे ये डॉट, तो स्टार्ट स्टॉप वन स्टॉप गो अप एंड मेक राउंड दिस। और नंबर सिक्स तो बहुत ही इजी है, उसके लिए ये आपने यहाँ से ये डॉट डाला, यहाँ से स्टार्ट किया डाउन टू द कॉर्नर क्विक राउंड सिक्स, डाउन टू द कॉर्नर, ये हमारा कॉर्नर है, डाउन टू द कॉर्नर क्विक राउंड सिक्स। उसके बाद सेवन लाइन स्टॉप, यहाँ पे आके स्टॉप और डाउन टू द कॉर्नर, ये बता रही हूँ लाइन, ये डॉट डाला, यहाँ पे ये दो डॉट डाल दिए, ठीक है। लाइन स्टॉप और ये डाउन टू द कॉर्नर है नंबर एट। एट कैसे लिखना है, मेक अ क, ये क बनाया, गो फॉर एस, एस बना दिया, नाउ स्ट्रेट गो अप, दिस इज नंबर एट। नंबर एट दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, कैसे मेक, यहाँ पे डॉट डाला, एक डॉट डाला और ये क बना लिया हमने, पेंसिल नहीं उठानी, फिर यहीं से राउंड इस एंड गो अप स्ट्रेट, दिस नंबर एट।
नाइन, हाउ टू नाइन राइट नाइन, राउंड बनाया ऐसे ही, राउंड गो अप एंड कम डाउन, ये है हमारा नंबर नाइन। अगेन राउंड ऊपर गए थोड़ा सा, गो अप एंड कम स्ट्रेट कम डाउन, दिस इज नंबर नाइन। आज पहले बच्चे को बताएं कि इसके ऊपर लिखना ट्रेसिंग करवाएं, और फिर जब ट्रेस करना सीख जाएं तो आप ऐसे ही डॉट्स बना के दें, टू और थ्री डॉट्स, जैसे मैंने ये डॉट्स बनाए हैं, तो डॉट्स के ऊपर बच्चे को फॉर्मेशन सिखाएं कि ये फॉर्मेशन है नंबर्स की, और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बच्चे को आप उनको टीच करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। थैंक यू।